एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और इस वक्त सुबह के 4:42 हो रहे हैं। मैंने यार पूरी ये वीडियो एक बार पहले बना ली थी, पर पता नहीं क्या हुआ, उसमें साउंड नहीं आया था, तो मुझे दोबारा ये वीडियो बनानी पड़ रही है। मैंने 3 पहले बनाई थी, फिर उसे दोबारा रेंडरिंग करा, सब कुछ बना लिया, उसके बाद देखा तो उसमें साउंड ही नहीं था। मैंने यार पूरा 1 मेरा बर्बाद हो गया। फिर मैं दोबारा ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि आज नींद नहीं आ रही है मुझे, तो आज शायद मैं मॉर्निंग में सोऊंगा। तो मैंने सोचा दिन की पढ़ाई रात में कर लेते हैं, तो वही मैं कर रहा था। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लेता हूँ। और ये केमिस्ट्री या सॉरी फिजिक्स की एक वीडियो है जो इन्वेंटर्स और उनके इन्वेंशंस के बारे में है कि किसने क्या क्या बनाया है, ठीक है, किस किस की खोज की है। इसमें कुछ हमारी वेबसाइट्स भी हैं, ऐप्स भी हैं, साथ ही साथ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या हमारी डेली लाइफ से यूज़ होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई वक्त गवाए हुए, और पूरा देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी के एग्ज़ाम के लिए। तो जैसा कि शुरू करते हैं, तो पहला है आपका टेलीविज़न या कहें टीवी, जो बनाया था जेएल बर्ड ने, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रेडियो, तो रेडियो बनाया था आपका मार्कोनी ने। आपको पता हो बचपन में हम बहुत मार्कोनी याद करते थे, क्यों, हम कहते थे, बच्चों पूछते थे अपने फ्रेंड से कि रेडियो किसने बनाया, तो वो कहता था कि यार मार्कोनी ने बनाया, तो फिर हम उसे मार्कोनी मारते थे। तो ये एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपनी पुरानी लाइफ से आप उन्हें याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि टेलीफोन किसने बनाया। देखिए टेलीफोन बनाया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, ठीक है। अब आप इसको याद कैसे करेंगे कि यार हमारे फ़ोन में बेल बजती है, ठीक है, हम कहते हैं यार बेल बज रही है तेरी, तो मतलब इसका क्या मतलब है कि टेलीफोन किसने बनाया, ग्राहम बेल ने। याद करने के तरीके बता रहा हूँ, देखिए छोटे छोटे से ऐसे हैं, कुछ कुछ इन्वेंशन आप याद कर सकते हैं, सारे नहीं कर सकते पर कुछ कुछ याद कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी किसने बनाई थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये बहुत ही कॉमन हैं, देखिए जो इम्पोर्टेंट है मैं उनके आगे स्टार बनाता जाऊँगा, ठीक है। जैसे देखिए ये वाला स्टार है आपका, ये इम्पोर्टेंट है, रेडियो इम्पोर्टेंट है आपका, टेलीफोन भी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आपकी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके फिर बाद आता है आपका, देखिए कुछ कुछ जो इन्वेंटर्स हैं उनके बहुत है, जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन हुआ, थॉमस एडिसन, न्यूटन या फिर एल्बर्ट आइंस्टीन, इनके कुछ जो इन्वेंशन थे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद है आपका इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब, देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बनाया था थॉमस एडिसन ने। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर का देखिए यूज़ आपको पता करना है, ठीक है, उसका यूज़ क्या होता है, टेम्परेचर नापने के लिए। उसके अंदर क्या होता है, एक ग्लास ट्यूब के अंदर मर्क्यूरी होता है, ठीक है, तो बस ये आपको याद रखना है। और फ़ारेनहाइट, उसमें हम जो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में नापते हैं, क्यों नापते हैं, क्योंकि इसे फ़ारेनहाइट ने बनाया था, ठीक है, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं। रेडियम, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि मैडम क्यूरी ने कौन कौन से रेडियो एक्टिव तत्व खोजे थे, ठीक है। तो देखिए ये 3 चीज़ों के लिए जानी जाती हैं, पहला तो ये कि रेडियो एक्टिविटी, दूसरा है रेडियम, और एक है पोलोनियम। और देखिए पोलोनियम जो था ना वो पोलैंड की रहने वाली है, इस वजह से उन्होंने क्या करा, अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने अपने एक एलिमेंट का नाम पोलोनियम रख दिया। और इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स में, कब, 1903 में, ठीक है, कब मिला था, 1903, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना टेलीस्कोप, देखिए टेलीस्कोप गैलीलियो ने बनाया था, ठीक है, यहाँ से आपको याद रखना। उसके बाद आता टेलीग्राफ, टेलीग्राफ बनाया था पेवल सिजलिंग ने, ठीक है, पेवल सिलिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, देखिए ये हर्ट्ज ने बनाया था, आप सिर्फ हर्ट्ज भी याद रख सकते हैं, ठीक है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, और क्वेश्चन जो पूछा जाता है एल्बर्ट आइंस्टीन से रिलेटेड, वो क्या पूछा जाता है कि एल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस लिए मिला था। तो ऑप्शंस होते हैं, और उन ऑप्शंस में 2 ऑप्शंस होते हैं, एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक होता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और ज़्यादातर स्टूडेंट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को टिक करते हैं, मैंने देखा है, क्योंकि कई बच्चे आते हैं और फिर कहते हैं कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आंसर होना चाहिए था, पर वो नहीं है, क्योंकि ये फेमस है, मैं मानता हूँ कि फेमस है, पर इसके लिए नहीं मिला था, उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, ठीक है। तो आपको ये कन्फ्यूज़न से बचना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मिला था, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सरे, देखिए एक्सरे आपका था विलियम कॉनराड रोंटेजन, ठीक है, विलियम कॉनराड रोंटेजन, इन्होंने एक्सरेज की खोज की थी।
कॉस्मिक रेज, देखिए कॉस्मिक रेज की खोज की थी आर ए मिलिकन। ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल की खोज की थी फर्डिनेंड वर्बीस्ट, ठीक है फर्डिनेंड वर्बीस्ट। पेंसिलिन की खोज की थी सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। और इंसुलिन की खोज की थी फ्रेडरिक बेंटिंग, ठीक है फ्रेडरिक बेंटिंग। मैग्नेटिक टेप वो की थी फ्रिड्ज फिलिमर, ठीक है फ्रिड्ज फिलिमर, पी साइलेंस है इसमें। रमन इफेक्ट, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आप इसके नाम से भी याद रख सकते हैं, इसकी खोज की थी सी वी रमन ने। बोर, ये उल्टा हो गया, देखिए तीन एलिमेंट्स मैंने उल्टे लिख दिए हैं सॉरी। हाँ इलेक्ट्रॉन थ्योरी, इलेक्ट्रॉन थ्योरी की खोज की थी बोर ने, ठीक है। उसके बाद है आपका बॉयल्स लॉ, देखिए बॉयल्स लॉ की खोज की थी सिर्फ बॉयल्स ने, उन्हीं के नाम पे बॉयल्स लॉ पड़ गया। और एटॉमिक थ्योरी, ठीक है एटॉमिक थ्योरी की खोज की थी डाल्टन ने, ठीक है। ये तीन वर्ड्स ऐसे जो मैंने उल्टे लिख दिए थे, यहाँ बोर इन्वेंटर लिख दिए थे और यहाँ पर इन्वेंशंस लिख दिए थे। उसके बाद है आपका पीरियोडिक टेबल, देखिए पीरियोडिक टेबल अगर आपने मेरी लास्ट वाली केमिस्ट्री की जो लास्ट वीडियो थी अगर आपने वो देखी होगी तो मैंने उसमें दिमित्री मेंडलीव के बारे में बात की है कि उन्होंने कैसे पीरियोडिक टेबल की खोज की, ठीक है। तो अब अगर आपने मेरा केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, मैंने सबके क्रैश कोर्स बनाए, फिजिक्स का क्रैश कोर्स बनाया, आपका केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स बनाया, और इकोनॉमिक्स का मेरा चल रहा है वो बस ख़त्म होने वाला है, ठीक है। उसके बाद मैं बायोलॉजी और शायद सबके क्रैश कोर्स बनाऊंगा जो आपका टाइम बचाएंगे और जल्दी आपकी तैयारी करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ट्रांसफार्मर, देखिए ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रिक मोटर ये आपके माइकल फैराडे ने बनाया था, किसने, माइकल फैराडे। उसके बाद आता है आपका ज्योमेट्री, ठीक है वो बनाया था यूक्लिड ने, खोज की थी ज्योमेट्री की। स्ट्रक्चर ऑफ एटम वो की थी रदरफोर्ड ने, खोज की थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की। उसके बाद आता लॉ ऑफ गैसेस, वो बनाया था गे लुसैक, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इसकी खोज की थी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने, ठीक है। उसके बाद आता मोशन ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है वो जॉनस कैपलर ने खोज की थी मोशन ऑफ प्लैनेट्स की। उसके बाद आपका प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, गैलीलियो गैलीली, ठीक है प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी किससे जुड़ा हुआ है, गैलीलियो गैलीली। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के में एक तो थे गैलीलियो गैलीली, ठीक है, और दूसरे थे आपके खुद न्यूटन, इसाक न्यूटन। उसके बाद आता इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन फोटोन और ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये बहुत इंपॉर्टेंट है खोज के हिसाब से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे जे थॉमसन, ठीक है। फोटोन की खोज की थी एल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है ये आपके इंपॉर्टेंट है दोनों, ये भी इंपॉर्टेंट है और आपका ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। थ्योरी ऑफ एटम, देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपका, जॉन डाल्टन ने खोज की थी, मैंने आपको ऊपर भी बताया। ब्लड ग्रुप्स, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये दो तीन एग्जाम में पिछले साल ही पूछा गया था, तो चलो मैं दो तीन एग्जाम में पूछा गया था, कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है ब्लड ग्रुप्स की खोज की थी। क्वांटम मैकेनिक्स की खोज किसमें की थी, मैक्स बॉर्न ने। उसके बाद है आपका क्वांटम थ्योरी, देखिए क्वांटम थ्योरी की खोज तीन लोगों ने मिलकर की थी, मैक्स प्लांक, नील्स बोर और एल्बर्ट आइंस्टीन। उसके बाद आता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की खोज की थी एंटोनी लेवेजर। एज ऑफ अर्थ, देखिए एज ऑफ अर्थ की खोज की थी सी पैटरसन ने, ठीक है सी पैटरसन। उसके बाद आता है आपका हीलियोसेंट्रिज्म, ठीक है हीलियोसेंट्रिज्म, और इसकी खोज किसने की थी, एरिस्टर्स ऑफ सेमोज, देखिए एरिस्टर ऑफ सेमोज एक मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर्स थे ग्रीक के, 310 या 280 BC के आसपास ये रहे थे, ठीक है, और ये ग्रीक से रिलेटेड करते हैं, ठीक है बहुत पुराने टाइम के मैथमेटिशियन थे। उसके बाद आता आपका हेलियोसेंट्रिक मॉडल, ठीक है इसकी खोज की थी निकोलस कोपरनिकस, ठीक है। और पेरेडिक लॉ ये है मेंडलीफ है, ठीक है, और ये इन्होंने पेरेडिक लॉ बनाया, इसीलिए इन्होंने उसी लॉ से पेरेडिक टेबल की भी बनाया था, ठीक है। फिर आता आपका वैन डायग्राम, देखिए वैन डायग्राम उन्हीं इसी नाम में ही आपका जो इन्वेंटर है वो छुपा हुआ है वैन, ठीक है आप वैन से समझ सकते हैं, ऑप्शन में एक वैन नाम का आदमी होगा, ठीक है उसका पूरा नाम होगा जॉन वैन, ठीक है उन्हीं ने खोज की थी वैन डायग्राम की। अब है वर्नियर स्केल, देखिए ज़्यादातर क्या होता है कि ऐसे जो डायग्राम और स्केल्स होते हैं उनमें उनके इन्वेंटर्स का नाम जुड़ा हुआ था, देखिए वर्नियर स्केल में पियरे वर्नियर इन्होंने बनाया था। उसके बाद आता एटॉमिक नंबर, इसकी खोज की थी मोसले ने, ठीक है मोसले ने एटॉमिक नंबर बनाया था।
और लॉ ऑफ मोशन या ग्रेविटेशन न्यूटन्स ने बनाया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया कि न्यूटन हुआ, एल्बर्ट आइंस्टीन हुआ, ठीक है, इन सब के जो हैं इन्वेंशंस ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, वो बनाया था आपका ओम ने। न्यूक्लियर रिएक्टर, ये है एनरिको फर्मी, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर किसने बनाया था? एनरिको फर्मी। उसके बाद है फ्यूल सेल, देखिए फ्यूल सेल बनाने वाले इंसान थे विलियम रॉबर्ट ग्लोव, ठीक है, विलियम रॉबर्ट ग्लोव। उसके बाद है सेल्युलॉइड, सेल्युलॉइड बनाया था एलेक्जेंडर पार्क्स ने, ठीक है, एलेक्जेंडर पार्क्स। हाइड्रोजन बॉम, इसकी खोज की थी एडवर्ड टेलर ने, और आज के टाइम पे शायद सबसे बड़ा बॉम कहा जाता है हाइड्रोजन बॉम को, और अगर ये नहीं बना होता तो आज नॉर्थ कोरिया बार बार नहीं कह रहा होता कि मैंने हाइड्रोजन बॉम का टेस्ट किया है, मैंने हाइड्रोजन बॉम का टेस्ट किया है, वो सब ये नहीं कहता, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर, देखिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर की खोज की थी जॉन विलियम न्यूमान, जॉन वोन न्यूमान, ठीक है, जॉन वोन न्यूमान, विलियम नहीं है, वोन है। उसके बाद है एरोप्लेन, ठीक है, एयरप्लेन की खोज की थी या एयरप्लेन, इसकी खोज की थी राइट ब्रदर्स ने, और राइट ब्रदर्स के दोनों नाम थे ऑर्विल और बिल्बर, ठीक है, ऑर्विल और बिल्बर। उसके बाद आता आपका स्टीम इंजन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसकी खोज की थी जेम्स वॉट ने, किसने? जेम्स वॉट। उसके बाद आता आपका लॉगरिथम्स, देखिए लॉगरिथम्स खोज की थी जॉन नेपियर ने, किसने की थी? जॉन नेपियर। उसके बाद आता आपका थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की खोज की थी चार्ल्स डार्विन, और मैंने इनकी एक रैप देखा था, मैंने एपिग्राफ बैटल में, एक कॉमेडी था वो, पर वहीं से मुझे चार्ल्स डार्विन का नाम याद हुआ था, आज से 3 साल पहले की बात है, ठीक है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की खोज उन्होंने की थी। ट्रांसफॉर्मर की खोज की थी ओटो ब्लेथी ने, ओटो ब्लेथी, और ये वैसे इंपॉर्टेंट है, आप चार्ल्स डार्विन वाला ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका सिनेमेटोग्राफी, देखिए सिनेमेटोग्राफ मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में किस लिए यूज होता है, और सिनेमेटोग्राफी खोज किसने की थी? एडिसन ने। स्टेथोस्कोप का यूज़ भी मैंने आपको बताया था, और उसकी खोज किसने की थी? रेन लियनेक ने, ठीक है। थर्मोफ्लस की खोज किसने की थी? डेवर, किसने की थी? डेवर ने। उसके बाद आपका बैटरी, बैटरी किसने बनाई थी? एलेक्जेंड्रो वोल्टा, एलेक्जेंड्रो वोल्टा। और बैरोमीटर, देखिए बैरोमीटर की खोज की थी एवेंगलिस्टा टॉरिसेली, ठीक है, एवेंगलिस्टा टॉरिसेली। कैमरा किसने बनाया था? कैमरा बनाया था आपका स्टीवन सेशन, ठीक है, किसने बनाया था? स्टीवन सेशन। एनालिटिकल इंजन, ठीक है, एनालिटिकल जो आपका इंजन था वो किसने बनाया था? वो बनाया था थॉमस एडिसन ने, ठीक है, थॉमस एडिसन ने बनाया था, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। आपका डीजल इंजन, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये बनाया था रोडोल्फ डीजल ने, ठीक है। हेलीकॉप्टर की खोज किसने की थी? वो की थी ब्रोक्वेट ने, ब्रोक्वेट। डायनामाइट, देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट है, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एल्फर्ड नोबेल ने बनाया था, और इन्हीं के नाम पर नोबेल प्राइज रखे गए हैं, ठीक है, तो डायनामाइट की खोज की थी उन्होंने। और फर्स्ट कंप्यूटर, फर्स्ट कंप्यूटर आपका देखिए किसने बनाया था? फर्स्ट कंप्यूटर बनाया था आपका जॉन मैकली और जे प्रेसपर एकर्ट। लिफ्ट की खोज किसने की थी? ऑटिस ने, ठीक है। उसके बाद आपका गिटार, गिटार बनाया था एडोल्फ रिकेनबेकर, ठीक है, एडोल्फ रिकेनबेकर। उसके बाद आता आपका लाइट एमिशन डायोड, ठीक है, निकोल होलिनेक और ओलेग लोसेव, इन्होंने खोज की थी लाइट एमिशन डायोड या LED की। लेजर प्रिंटर की खोज की थी गैरी स्टार्क वेदर, ठीक है, गैरी स्टार्क वेदर। मोबाइल फोन्स तो आज हर कोई के पास है, हर किसी के हाथ में है, तो इसकी खोज करने वाले थे मार्टिन कूपर, मोबाइल्स खोज की थी मार्टिन कूपर ने। माइक्रोस्कोप की खोज की थी जैक्रियस जेनेसन, जैक्रियस जेनेसन माइक्रोस्कोप की खोज। माइक्रो ओवन की खोज की थी पर्सी स्पेंसर, ठीक है, पर्सी स्पेंसर ने खोज की थी माइक्रो ओवन की। प्रिंटिंग प्रेस की खोज की थी जॉनास गटनबर्ग, ठीक है, जॉनास गटनबर्ग। और वीडियो गेम्स बनाए थे राल्फ एच बेयर, ठीक है, राल्फ एच बेयर। इसके बाद आती हैं अब कुछ वेबसाइट, देखिए वेबसाइट में सबसे पहले है गूगल, गूगल आता है लैरी पेज, लैरी पेज ने बनाया था। मोजिला बनाया था आपका डेव हयात और ब्लेक रॉस ने, ठीक है। फेसबुक का तो बताने की जरूरत नहीं है मुझे, बहुत ही फेमस है मार्क जकरबर्ग, ठीक है। और ट्विटर बनाया था इवन विलियम्स, डैक डोर्सी, जैक डोर्सी और बिज स्टोन ने, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने को बनाया था बिल गेट्स और पॉल एलन ने, और नॉर्मली हम बिल गेट्स को ही जानते हैं, पॉल एलन को इतना नहीं हम जानते हैं, ठीक है।
उसके बाद इंटरनेट बनाया था विंड सर्फ ने, और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि यार चलो इंटरनेट सर्फ करते हैं, इंटरनेट सर्फिंग करते हैं, ठीक है। ईमेल एक इंडियंस ने बनाया था, ठीक है, इंडियन बनाया था, उसका नाम था सेवा, ठीक है, अय्या दुरई, ठीक है, सेवा अय्या दुरई। और एप्पल बनाने वाले थे स्टीव जॉब्स, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब www जो आपकी वेबसाइट्स के ऊपर होता है URL के अंदर, ठीक है, स्टार्टिंग में, उसकी खोज किसने की थी, सर टिम बर्नर्स ली ने, टिम बर्नर्स ली। IP एड्रेस की खोज की थी आपका रॉबर्ट ई कहन ने, ठीक है, रॉबर्ट ई कहन। उसके बाद आता है आपका माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर की खोज की थी फेडरिको फैगन, ठीक है, फेडरिको फैगन। तो ये थे आपके पूरे इन्वेंटर्स और उनके इन्वेंशन जो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा वीडियो, अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें, और आप पहली बार इस वीडियो चैनल पर आएँ और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, नीचे का लाल बटन दबाएँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।